जय भीम साथियों, अगर अभी तक आपको लगता था कि अत्यंत बुरी खबरें आ रही हैं, तो महामारी में सरकार और कंपनियों की मुनाफाखोरी पर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। भारत में जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगती आई है और लागे भी लगाई जाएगी, उस कोविशील्ड वैक्सीन का दाम भारत में सबसे ज़्यादा है। दुनिया के कई देशों में ये वैक्सीन, सेम वैक्सीन लगाई जा रही है। हर देश में इसका दाम भारत से काफ़ी कम है। इसमें कई बड़े बड़े विकसित देश भी शामिल हैं। 1 मई से जब ये भारत में हर बालिक व्यक्ति को लगाई जाएगी, तो इसका दाम प्राइवेट अस्पतालों में 600 रुपये होगा, राज्य के अस्पतालों में 400 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा है बाकी देशों की तुलना में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका में ये 393 रुपए की पड़ेगी, अमेरिका और बांग्लादेश में 300 रुपए की, ब्राज़ील में 236 रुपए की, इंग्लैंड में 225, यूरोप के विभिन्न देशों में 160 से 260 रुपए के बीच। गजब की लूट है ये। अमीर देशों में सेम वैक्सीन का दाम भारत से कम है। लगता है अडानी अंबानी के बाद अब ये आधार पूना वाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, वो नए मित्र बन गए हैं मोदी जी के। इस पर कई पत्रकारों, राजनेताओं, बॉलीवुड एक्टर्स ने भी आलोचना करी जमकर। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने आधी वैक्सीन विदेश में बेच दी, अब भारत के लिए वैक्सीन सबसे महंगी कर दी। ये वैक्सीन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने खोजी है। 15 देशों में इसका प्रोडक्शन है। सीरम इंस्टीट्यूट उनमें से ही एक वेंडर है। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आधार पूनावाला सबसे महंगी वैक्सीन भारत में बेच रहा है। उसे गिरफ्तार करना चाहिए, सीरम इंस्टीट्यूट का राष्ट्रीयकरण हो। वहीं स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव ने लिखा है, पुणे में निर्मित होने वाले टीके की कीमत लंदन में 225 रुपये और पुणे में ही 600 रुपये होगी। ये तब जब सीरम इंस्टीट्यूट के CEO ने खुद कहा कि 150 रुपये की कीमत भी उनके लिए लाभदायक है। एक महामारी के बीच इस तरह की मुनाफाखोरी की अनुमति देने की कोई सरकार कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। अब जाने माने बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर ने कहा है, ये कहने के बाद कि आप 150 रुपये प्रति वैक्सीन में भी लाभ कमा रहे थे, अब हमें इसके लिए किसी भी देश के दाम से ज़्यादा भुगतान करने के लिए कहा जाएगा, कृपया सीरम इंस्टीट्यूट बताए कि ऐसा क्यों। केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सरकार जो 150 रुपये की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदेगी, वो राज्यों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, पर इससे ज़्यादा विस्तार से सरकार ने अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी, इसको गलत बताते हुए अपने बचाव में कहा है कि 600 रुपये प्रति वैक्सीन वाला केवल एक सीमित हिस्सा ही निजी अस्पतालों को बेचा जाएगा। ये दाम जो रिपोर्ट में दिए गए हैं, वो उस शुरुआती दौर के हैं जब पूरे विश्व और भारत में वैक्सीन सस्ती थी, जब अभी वैक्सीन एक्सपेरिमेंटल थी, बनाई जा रही थी। अभी भी कोविशील्ड के दाम आप देखें तो बाकी दवाइयों से कम है जो कोविड के इलाज में इस्तेमाल हो रही हैं, और अन्य दवाइयाँ। अब हम सिर्फ देखें, केंद्र सरकार जो 150 रुपये का टीका जो ले रही है सीरम इंस्टीट्यूट से, वो तो कुछ हद तक सस्ता है, बाकी 400 और 600 रुपये का दाम तो बेहद महंगा है। और ये 150 रुपये का दाम भी इसलिए है केंद्र के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार सीरम इंस्टीट्यूट को 3,000 करोड़ रुपये दे चुकी है वैक्सीन बनाने के लिए, ऑलरेडी बोल चुकी है हम देंगे उन्हें। दाम होना ही नहीं चाहिए, दाम है ही क्यों, ये हमारा प्रश्न है। ये वैक्सीन नो प्रॉफिट नो लॉस पर बननी चाहिए और सरकार को इसे सब्सिडाइज करना चाहिए, इसे बेसिक टीके पर, जो वैश्विक महामारी के दौरान जिंदा रहने के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। ये तो ज़िंदगी के लिए सबसे मूल और महत्वपूर्ण दवाई है। अभी जो महामारी बढ़ती जा रही है, इसे रोकने के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, तो इसे फ्री
होना चाहिए सबके लिए फ्री वैक्सीन फॉर ऑल। तो इस महत्वपूर्ण खबर को, इस जानकारी को आप सबके साथ साझा ज़रूर करें, क्योंकि लोग जागरूक होंगे, सरकार पे सवाल उठाएंगे, तो हमें आशा है सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ज़्यादा लोग उठाएंगे तो हो सकता है हम सबको वैक्सीन मुफ्त में ही आगे लग पाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।